हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित ट्रेजर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फोर्टनाइट लाइट के बारे में और साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि फोर्टनाइट को आप अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि फोर्टनाइट आप अपने एंड्रॉइड फोन्स में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फोर्टनाइट लाइट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि फोर्टनाइट प्ले स्टोर में है नहीं, सो इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक ब्राउज़र ओपन करना है। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी क्रोम ओपन कर रहा हूँ, तो क्रोम में आपको यहाँ पर टाइप करना है फोर्टनाइट लिख के सर्च करना आपको, ओके, और गो में क्लिक कर देना है। तो स्क्रॉल डाउन आप करेंगे यहाँ पे इस साइड में आपको क्लिक करना है गेट फोर्टनाइट एपिक गेम्स जिसमें लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है इस साइड में। जैसे ही आप इस साइड में क्लिक करोगे तो इस तरह का होम स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप नीचे एंड्रॉइड बीटा लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड्रॉइड बीटा पे। तो गेट स्टार्टेड करके एक ऑप्शन आएगा येलो कलर में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप डाउनलोड में क्लिक करोगे दोस्तों, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा जो कि लगभग 4 MB के अराउंड है। तो ये फोर्टनाइट इंस्टॉलर करके एक फाइल है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, ये 4 MB का ऐप ये बता देगा कि आपका फ़ोन जो है फोर्टनाइट गेम को सपोर्ट करता है कि नहीं है। सो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, फोर्टनाइट जो है बहुत ही हाई ग्राफिक्स गेम है, हर किसी फ़ोन में नहीं चल पाता है। सो दोस्तों ये ऐप इंस्टॉल हो गया है, अब सिंपली ओपन में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओपन में क्लिक करेंगे तो इस तरह का लिखा हुआ आएगा एपिक गेम्स। अगर आपका फ़ोन जो है फोर्टनाइट सपोर्ट करता है, फोर्टनाइट गेम को सपोर्ट करता है, तो इस तरह का ऑप्शन आएगा फोर्टनाइट मोबाइल डाटा डाउनलोड, यानी कि अभी लिखा हुआ रहा डाउनलोड लिखा हुआ। अगर इस तरह का स्क्रीन आपके फ़ोन में आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जो फ़ोन है वो फोर्टनाइट गेम को सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट नहीं करता है आपका फ़ोन तो उसमें लिखा हुआ आएगा अनसपोर्टेड, योर डिवाइस डजंट सपोर्ट, या फिर अनकंफर्टेबल, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आएगा कि आपका जो डिवाइस है वो फोर्टनाइट गेम को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि मेरा डिवाइस जो है OnePlus 5 है और मेरा जो फ़ोन है वो सपोर्ट करता है फोर्टनाइट गेम को, तो मैं डाउनलोड में जैसे ही क्लिक करूंगा इस तरह का स्क्रीन आएगा और यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा और ये प्रिपेयर करने लग गया है डाउनलोड करने का, और ये डाउनलोड भी होने लग गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो। एटलीस्ट आपके फ़ोन में 3 GB या 4 GB रैम होना चाहिए और आपका फ़ोन का जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो अभी ये सिर्फ एक APK फाइल डाउनलोड कर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो मेरा जो फोर्टनाइट गेम है एक तरह से इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं फोर्टनाइट गेम को। तो अब जब फोर्टनाइट गेम को मैं ओपन करूंगा और एक एक्स्ट्रा फाइल्स जो है डाउनलोड करने लगेगा मेरे ख्याल से लगभग 1500 या 1600 MB के अराउंड और एक्स्ट्रा फाइल ये जो है डाउनलोड करेगा। सो गाइस ऐसे आप फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड कर सकते हो अब अपने फ़ोन में। तो अब हम बात करते हैं फोर्टनाइट लाइट के बारे में। सो दोस्तों अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने फोर्टनाइट गेम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने जब गेम को पहली बार ओपन किया तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैंने गेम को पहली बार ओपन किया तो ये जो गेम है और 2 GB का फाइल जो है एक्स्ट्रा डाउनलोड करने लगा, यानी कि कुल मिला के ये जो गेम है लगभग 2 GB से भी ज़्यादा MB का गेम है, यानी कि बहुत बड़ा गेम है। सो गाइस हम बात कर रहे थे फोर्टनाइट लाइट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को एकदम सीधे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि फोर्टनाइट कंपनी जो, यानी कि जो एपिक गेम कंपनी है, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो फोर्टनाइट का लाइट वर्जन निकालने वाला है। हालांकि कई सारे यूट्यूबर्स, बड़े छोटे यूट्यूबर्स ने भी इस तरह के वीडियोस बनाए हैं कि फोर्टनाइट लाइट आ चुका है या आने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि अभी तक फोर्टनाइट वालों ने ऑफिशियल कोई भी घोषणा ऐसा नहीं किया है कि फोर्टनाइट लाइट वो लाने वाले हैं या आ चुका है। ओके गाइस, सो ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। हो सकता है फ्यूचर में फोर्टनाइट का लाइट वर्जन आ जाए, क्योंकि ये जो वर्जन है अभी फिलहाल ये 2 GB से ज्यादा है, यानी कि 2 GB या 1 GB रैम वाले फोन्स में नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 4 GB और जिसके फोन में एकदम बढ़िया प्रोसेसर या यानी कि हाई ग्राफिक्स प्रोसेसर है तो ही ये गेम रन कर पाएगा। तो हो सकता है फोर्टनाइट वाले फ्यूचर में लाइट वर्जन निकाल ले जो लो एंड डिवाइस या मिड रेंज डिवाइस फोन में चल जाए फोर्टनाइट। सो फिलहाल लेकिन आप लोगों को साफ साफ बताना चाहूंगा, ये यूट्यूब में जितने भी प्रकार के वीडियोस चल रहे फोर्टनाइट लाइट से रिलेटेड,
प्रोजेक्ट वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि फोर्टनाइट की तरफ से यानी कि एपिक गेम की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सो गाइस, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो अपने गेम अपने फोन में फोर्टनाइट गेम चलता है कि नहीं चलता वो चेक कैसे करें, तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो के फर्स्ट में आप लोगों को बताया, सिर्फ 4 MB का जो ऐप है वो इंस्टॉल करें और आप चेक कर सकते हो कि आपके फोन में फोर्टनाइट सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। सो वो 2 GB का पूरा गेम आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कई यूट्यूबर्स ऐसे डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं 2 GB का फाइल, और आप जब 2 GB फाइल इंस्टॉल करके मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करके गेम को ओपन करते हो और आपका फोन में गेम रन नहीं होता, तो 2 GB और आपका टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाता है। तो क्यों ना आप सिर्फ 4 MB का जो है ऐप है वो डाउनलोड करके चेक करें, उसमें चेक ये बता देगा कि आपका गेम आपका जो फोन है वो सपोर्ट करता है कि नहीं है। अगर सपोर्ट करता है तो आप डाउनलोड कीजिए, अगर सपोर्ट नहीं करता है तो टाइम और डाटा दोनों ही वेस्ट मत कीजिए। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? बहुत सारे लोग फोर्टनाइट लाइट से रिलेटेड वीडियोस बनाओ इस तरह के मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे थे मेरे को, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और किसी भी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस या चैनल या फिर न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। We'll be right back.